इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट, जिसका मतलब होता है इट इज स्वीट एंड प्रॉपर टू डाई फॉर योर ओन कंट्री, अर्थात अपने देश के लिए वीर गति पाना, शहीद होना, इससे बड़ा सुख कोई और नहीं है और यही हम सबका कर्तव्य है। महान रोमन ऑथर होरेस ने इन लाइंस को ईस्वी सन पूर्व पहली शताब्दी के अंदर लिखा गया था। वहां से लेकर 20वीं सदी तक इन लाइंस का उपयोग सैनिकों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किया जाता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर विल्फ्रेड ओवन, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध के नए स्वरूप को देखा था, उन्होंने जब अपनी पोएम के अंदर इन लाइंस का उपयोग किया, तब से लेकर आज तक इन लाइंस का मतलब बदल गया है। इन लाइंस का मतलब आज के डेट में, आज के पॉपुलर कल्चर में होता है सैनिकों को प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके युद्ध के झांसे में डालना। इसका मतलब क्या हुआ? सैनिकों को फंसाकर युद्ध करने के लिए मोटिवेट करना। तो ये सब जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर विल्फ्रेड ओवन की जिंदगी कैसी थी और आखिर उन्होंने इस पोएम को क्यों लिखा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, विल्फ्रेड ओवन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने युद्ध का एक नया स्वरूप देखा। अक्सर हम बतौर मूवीज में जब युद्ध को देखते हैं, बाहुबली जैसे मूवीज को जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है युद्ध कितना ग्लोरीफाइड है, हमें लगता है कि युद्ध करना कितना एकदम मर्दों का काम है, वीरता का काम है। लेकिन जब आप युद्ध के दौरान जाते हो तो आप उसका एक अलग स्वरूप देखते हो। विल्फ्रेड ओवन ने देखा कि एक बॉम्ब अटैक के अंदर वो अपने साथ के जो ऑफिसर थे उनके बॉडी के साथ, वो बॉम्ब से जो गड्ढा हो गया था उसके अंदर वो कई दिनों तक पड़े हुए थे। हो सकता है उनको कई दिनों तक रेस्क्यू नहीं किया गया था। और जब एक ऑफिसर की जो कि बॉम्ब के अंदर मरे हुए थे, तो उनकी बहुत ही छिन्न विच्छिन्न हुई बॉडी के साथ उन्होंने कई दिन बिताए और उसके बाद उनके दिमाग पर कुछ असर सा पड़ गया, गहरा प्रभाव हो गया। इसको अक्सर सेल शॉक कहते हैं। तो इस सेल शॉक से उभरने के लिए उन्हें वॉर हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया, जहां पे सिगफ्राइड ससून और अन्य एक पोएट के साथ उनकी मुलाकात हुई। हमने सिगफ्राइड ससून का रिटर्न फ्रॉम द स्वामे चैप्टर पढ़ा हुआ है, उन्हीं ऑथर के साथ उनकी मुलाकात हुई। वहां पे सिगफ्राइड ससून ने विल्फ्रेड ओवन को अपने एक्सपीरियंसेस को पोएम के थ्रू लिखने के लिए मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। और इसी का नतीजा है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने इस ड्यूल्स एट डेकोरम इस पोएम को लिखा। और जब वो अपने उस इलाज को कंप्लीट कर चुके थे, तो फिर से एक बार विल्फ्रेड ओवन युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 11/11/1918 को कंप्लीट हुआ था, उसके बराबर एक हफ्ता पहले यानी 4 नवंबर 1918 को युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते वो वीर गति को पा गए। अब ऐसे व्यक्ति जो युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं, वही शहीद होने को सही नहीं मानते। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को और इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग जानते हैं और जानते हैं युद्ध की हकीकत को कि क्या सही में युद्ध में शहीद होना उतना अच्छा है, क्या उतना स्वीट है, उतना आनंददायी अनुभव होता है। चलिए पढ़ने के लिए हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, पोएम की शुरुआत में ही हम युद्ध के बीचों बीच है, अभी युद्ध की कार्यवाही चालू हुई और उसी के बीच बेंट डबल लाइक ओल्ड बेगर्स अंडर सैक्स, नॉक नीड कफिंग लाइक हैग्स, वी कर्स थ्रू स्लज। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बेंट होकर बैठे हैं। बेंट होने पर जैसे हम अक्सर हमारे पैरों को हमारे सीने से ऐसे चिपका के भय से कांपते हुए ठीक जिस तरह से बैठते हैं, उसी तरह से वो कहते हैं बेंट डबल, एकदम से ऐसे चिपक कर बैठ गए हैं, लाइक ओल्ड बेगर्स अंडर द सैक्स, ठीक उसी तरह से जैसे बूढ़े भिखारी होते हैं, वो अक्सर आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे ठंड के मौसम में कुड़कुड़ाते हुए अपने सिर के ऊपर कुछ छोटा मोटा कपड़ा लेके, सैक लेके, फटे पुराने कपड़े अपने सिर के ऊपर रख के जैसे बैठे रहते हैं, ठीक उसी तरह से वो बैठे हुए हैं। क्यों? नॉक नीड, वो कह रहे हैं नॉक नीड, और उनके जो घुटने हैं वो नॉक नी हो गए हैं, वो एक दूसरे से लग रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। रीजन क्या है? अभी वॉर की सिचुएशन चालू है, वॉर गतिविधि चालू है। कफिंग लाइक हैग्स विद कर्स थ्रू स्लज, और वो कहते हैं यहाँ पे हम कफ कर रहे हैं, बार बार खांस रहे हैं, लाइक हैग्स किसी जानवर की तरह हम खांस रहे हैं और हम स्लज के थ्रू गालियां दे रहे हैं, हम कोस रहे हैं कि ये सामने वाले जो या पीछे से जो उनके ऊपर हल्ला हो रहा है उन लोगों के ऊपर हम गालियां दे रहे हैं, हमारा रोष, हमारा आक्रोश हम व्यतीत कर रहे हैं।
टिल ऑन द हॉन्टिंग फ्लेयर्स विच टर्न आवर बैक्स। और उसी समय जो हॉन्टिंग फ्लेयर्स है, जो पीछे से आग की लपटें आ रही है, उसकी तरफ हमने हमारे पीठ दिखाई हुई है। दोस्तों, इस सिचुएशन को अच्छे से इमेजिन करने के लिए हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये एक ऐसा पहला युद्ध था जिसको ट्रेंचेस के अंदर खेला गया था। ट्रेंचेस का मतलब होता है नालियों नुमा ऐसी गहरी खाइयां खोद दी जाती थी, और उन खाइयों के अंदर या उन नालियों के अंदर सैनिक हफ्तों महीनों तक रहा करते थे, और उसी के बीच से युद्ध की गोलाबारी, युद्ध के अटैक, युद्ध की गतिविधि की जाती थी। ऐसे में ये सारी सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं वो एक ट्रेंच के अंदर, एक नाली के अंदर हो रही है, जहाँ पे उनके पीछे से उनके ऊपर अटैक हो रहा है। हो सकता है बॉम्ब का अटैक हो रहा हो, गैस का अटैक हो रहा हो, और यहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर डर के मारे कांपते हुए ऑथर अपने बाकी के सिपाहियों के साथ ऐसे दुबक कर बैठे हुए हैं। एंड टूवर्ड्स आवर डिस्टेंट रेस्ट बिगन टू ट्रज, और वो कहते हैं इस परिदृश्य में, इस सिचुएशन में, जब उनके पीठ पीछे ये फ्लेयर्स दिखाई दे रही, फ्लेयर्स मतलब आग की लपटें, ठीक उसी तरह से जैसे हम रॉकेट बॉम्ब लगाते हैं या कोई बॉम्ब लगाते हैं या झाड़ नाम का जो बॉम्ब होता है वो लगाते हैं तो अचानक से आग की लपटें ऊपर उठती है, ठीक उसी तरह से बॉम्ब के गिरने के बाद भी आग की लपटें बढ़ती है। तो ये सारी उनके पीठ पीछे हो रही है, और अपने डिस्टेंट रेस्ट की तरफ, जहाँ पे उनको रहने का ठिकाना था, उस ठिकाने की तरफ वो धीरे धीरे ट्रज कर रहे हैं। ट्रज करने का मतलब धीरे 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 आगे बढ़ते रहना, मेन मार्च्ड अस्लीप। और वो कहते हैं इस सिचुएशन में जो मेन है, मेन कौन है यहाँ पे, सोल्जर्स, उनके साथ के जो सिपाही है वो मार्च कर रहे हैं। मार्च आपको पता है सैनिक किस तरह से चलते हैं, उस फॉर्मेशन में चलने को मार्च कहते हैं। वो कह रहे हैं ये जो सारे सैनिक है वो मार्च कर रहे हैं नींद में सोते हुए। मेनी हैड लॉस्ट देयर बूट्स, और इस सिचुएशन में सारे के सारे जो उनमें से सैनिक है, उनमें से कई लोगों ने अपने बूट्स तक गंवा दिए हैं, उनके पास अभी बूट्स तक नहीं है, बट लिम्प्ड ऑन ब्लड शॉड, और ऐसे में फिर भी वो लिम्प ऑन कर रहे हैं। लिम्प ऑन का मतलब होता है लंगड़ाते हुए चलना। अब जाहिर सी बात है युद्ध है, इसमें अगर कोई जान से भी नहीं मरता तो भी हर किसी को कुछ ना कोई चोट तो लग जाती है, कोई लंगड़ा हो जाता है। ऐसे में लंगड़ाते हुए ये सैनिक आधी नींद में ही आगे बढ़ रहे हैं, ब्लड शॉर्ट, और उस जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते में ब्लड है। इस जगह पे जहाँ पे युद्ध कार्रवाई हो रही, सैनिक की कार्रवाई हो रही, वहाँ पे कई सारे लोग मरे हुए होते हैं, कई सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स बिखरे होते हैं, खून बिखरा हुआ होता है। ऐसे खून पे से वो आगे जा रहे हैं अपनी आधी नींद में ही लंगड़ाते लंगड़ाते। All went limp, all blind. और जब ये लोग जा रहे तो उसमें से अधिकतर लोग lame हो चुके हैं, लंगड़े हो चुके हैं, all blind. और ज़्यादा से वो सारे के सारे लोग अभी blind हो चुके हैं। क्यों? Drunk with fatigue. क्योंकि ये सारे लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं। दोस्तों, जब युद्ध में सैनिकों को भेजा जाता है तो लंबे समय तक सैनिक की कार्यवाही चलती है, गतिविधि चलती है, और एक बार जब सैनिक अपने कैंप से युद्ध की दिशा में चल पड़ते हैं तो महीनों तक वो वहीं पर रहते हैं युद्ध के स्थान पे और युद्ध करते रहते हैं। ऐसे में पूरी तरह से थक जाते हैं, साथ ही साथ हमेशा डर लगा रहता है कि कभी भी अटैक हो सकता है, इस वजह से वो सो भी नहीं पाते, और हमेशा कहीं ना कहीं गोलाबारी चालू होते हैं, कहीं ना कहीं गोलाबारी चालू और बंदूकों की आवाज़ें आती रहती हैं। ऐसे में सोना या आराम करना ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिफ इवन टू द हुड्स ऑफ गैस शेल्स ड्रॉपिंग सॉफ्टली बिहाइंड, और वो कह रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा थक चुके हैं, इतने ज़्यादा फेटिग हो चुके हैं कि वो डिफ हो चुके हैं। डिफ होने का मतलब अभी वो अपने कान से कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं। इवन टू द हुड्स ऑफ गैस शेल्स, दोस्तों गैस शेल्स क्या होते हैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये ऐसा फर्स्ट एक मेजर वॉर था, मेजर युद्ध था, जिसके अंदर गैस के अटैक किए गए थे, केमिकल अटैक्स हुए थे, और इसमें अक्सर जो गैस के आपको छोटे छोटे सिलेंडर दिखते हैं उससे भी छोटे छोटे सिलेंडर्स हुआ करते थे, जिनको बंदूक के थ्रू लॉन्च किया जाता था, और वो लॉन्च होने के बाद वो आकर जहाँ पे गिरते थे वहाँ पे जब फटते थे तो वहाँ पे गैस फैल जाती थी। जैसे अक्सर हम टीवी पे देखते हैं जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए उनके ऊपर टीयर गैस का यूज़ किया गया था, अक्सर जो JNU के स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर भी टीयर गैस का उपयोग किया गया था, ये हमने देखा। तो वो कह रहे हैं कि वो अभी इतने थक चुके हैं कि जो उनके पीठ पीछे उनके नज़दीक में ये गैस के शेल्स गिर रहे हैं उनके आवाज़ों को भी वो अभी नज़रअंदाज कर रहे, उसको तक वो सुन नहीं पा रहे क्योंकि वो उतना ज़्यादा थक चुके हैं। अचानक से अभी सिचुएशन चेंज होती है, गैस गैस क्विक बॉयज, और ऐसे में उनके नज़दीक में ही कहीं पे गैस का शेल आकर गिर जाता है, और उसमें से जो भी कमांडिंग ऑफिसर है वो उनको ऑर्डर देता है, गैस गैस क्विक बॉयज, तुरंत तुम लोगों को क्या करना है,
एन एक्सट्रेसी ऑफ फंबलिंग फिटिंग द क्लम्सी हेलमेट्स जस्ट इन टाइम। और फिर जैसे ही जो भी कमांडिंग ऑफिसर है या जो भी वहाँ पे व्यक्ति है जिसने सबसे पहले गैस का वहाँ पे शेल गिरते हुए देखा था, जैसे ही उसने आवाज दी तो वहां पे एक्सटेसी हुई। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद होना। अब यहाँ पे किस परमानंद की बात हो रही है हम देखते हैं। ऑफ फंबलिंग फिटिंग द क्लम्सी हेलमेट्स, दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था गैस अटैक्स होते थे, तो इस गैस अटैक्स में अक्सर भयानक भयानक से गैसेस का उपयोग किया जाता था और उन गैस से बचने के लिए हेलमेट्स बनाए गए थे। तो यहाँ पे जैसे ही आवाज आती है गैस गैस क्विक बॉयज, तो तुरंत वहां पे जितने भी सैनिक है वो तुरंत फंबल करते हैं। फंबल करने का मतलब टटोलना, उनके गर्दन के वहां पे लूज किया हुआ ढीला छोड़ा हुआ मास्क या फिर हेलमेट हुआ करता था और उस हेलमेट को ठीक से पकड़ने के लिए और अपने सिर पे लगाने के लिए, क्योंकि उनके हाथ पूरी तरह से खाली नहीं होते, एक हाथ में बंदूक होती है, पानी का कुछ और होता है, कुछ रसद होते हैं, कुछ सामान होता है, ऐसे में वो टटोलने लगते हैं तुरंत कि कहाँ पे मास्क है और फिर मास्क को फिट करते हैं। और वो मास्क कैसे है, क्लम्सी हेलमेट्स, क्लम्सी मतलब वो गंदे हो चुके हैं जस्ट इन टाइम। और जब जस्ट इन टाइम वक्त रहते अगर आपने वो हेलमेट अपने मुंह के ऊपर लगा लिया, सिर के ऊपर लगा लिया, तो इसके अंदर एक्सटेसी है। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, क्योंकि अगर आप वक्त रहते उन हेलमेट्स को अपने मुंह पर नहीं लगाते तो आपकी मौत हो जाती है, आपका दम घुटकर बहुत ही बेरहमी से आप मर जाते हो। तो अगर आपने वक्त रहते उन हेलमेट्स को उन मास्क को पहन लिया तो आपको वहां पे परमानंद महसूस होता है। बट समवन स्टिल वाज येलिंग आउट एंड स्टम्बलिंग, और लेकिन अब यहाँ पे हम एक बहुत ही भयानक सा दृश्य वो बता रहे हैं, लेकिन समवन कोई एक सैनिक था जो अभी भी चिल्ला रहा था, वो अभी भी आवाजें लगा रहा था और स्टम्बल कर रहा था। स्टम्बल कर रहा था मतलब वो लड़खड़ा रहा था, एंड फ्लाउंडरिंग लाइक अ मैन इन फायर और लाइम, और वो फ्लाउंडर कर रहा था, वो तड़प रहा था। फ्लाउंडर करने का मतलब होता है किसी पानी के अंदर डूबते रहना, और वो डूब रहा था, किसमें डूब रहा था है? हम आगे जानेगा, लाइक मैन इन फायर और लाइम, और फिर ठीक उसी तरह से जैसे कोई इंसान आग की लपटों के अंदर घिर जाता है या लाइम के अंदर घिर जाता है, ठीक उसी तरह से वो घिरता जा रहा था, फ्लाउंडर होता जा रहा था, और वैसे ही वक्त तो चिल्ला रहा था और लड़खड़ा रहा था। हो सकता है वो अपने कदम ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ पे लाइम का मतलब हमें अच्छे से समझना है। लाइम का मतलब होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम एक केमिकल होता है जो कि कॉस्टिक है। कॉस्टिक का मतलब अगर आप उस केमिकल के अंदर घिर गए तो आपको वो जला देगा, आपके ऊपर उसका कॉस्टिक इफेक्ट होगा। डिम थ्रू द मिस्टी पेंट्स एंड थिक ग्रीन लाइट एज अंडर ग्रीन सी आई सॉ हिम ड्राउनिंग। और ऐसे में वो कहते कि वो एक सैनिक, वो एक इंसान जो अपना हेलमेट ठीक से नहीं लगा पाया था, उसको उन्होंने अपने डिम थ्रू मिस्टी पेंट्स, अब आप इमेजिन करो कि पोएट विल्फ्रेड ओवन ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा लिया है और उन मास्क के ऊपर अक्सर ग्रीन कलर का कांच का उपयोग किया जाता था, और ऐसे में वो कह रहे हैं वो जो मिस्टी पेन है, वो जो ग्लास है उनके चेहरे पर लगा हुआ, उसके थ्रू जिस, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था ये क्लम्सी हेलमेट से गंदे हो चुके हैं ये हेलमेट्स, ऐसे उसमें से वो डिमली देख सकते हैं कि वो थिक ग्रीन के लाइट, उनके आंखों के ऊपर जो थिक ग्रीन लाइट है उसके थ्रू वो देख सकते हैं, जैसे वो सैनिक किसी ग्रीन सी के अंदर, हरे कलर के समंदर के अंदर वो ड्राउन हो रहा है, उसके बीच में वो डूबता चला जा रहा है, क्योंकि वो जो कोई भी गैस था वो गैस ग्रीन कलर का हो सकता है या फिर उनके आंखों के सामने जो ग्रीन कलर की पट्टी लगी हुई है, जो ग्रीन कलर की कांच लगी है, उसके वजह से भी उनको पूरी तरह से ग्रीन दिखाई दे रहा है और उस ग्रीन गैस के अंदर वो सैनिक डूबता चला जा रहा है। इन ऑल माई ड्रीम्स बिफोर माई हेल्पलेस साइट ही प्लंजेस एट मी गटरिंग चोकिंग ड्राउनिंग। और अब वो कहते हैं कि मेरे सारे सपनों के अंदर इसके बिफोर माई हेल्पलेस साइट, मेरे आंखों के सामने वो जो कुछ भी हुआ वो मेरे सारे सपनों के अंदर आता है। ही प्लंजेस एट मी, और वो कहते हैं मेरे सपनों के अंदर वो सैनिक मेरी तरफ प्लंज करता है, मेरी तरफ वो छलांग लगाने की कोशिश करता है। गटरिंग, गटरिंग का मतलब होता है तड़फना। चोकिंग, चोकिंग का मतलब होता है जब कोई आप निवाला खाते हो और आपके गले से वो नीचे नहीं उतरता, ऐसे ही वो चोक कर रहा है क्योंकि वो गैस के अंदर फंस चुका है और ड्राउन कर रहा है, उस गैस के अंदर वो डूब रहा है। अक्सर ये दृश्य उनको उनके सपनों के अंदर आता है। इफ इन सम सॉदरिंग ड्रीम्स यू टू कुड पेस बिहाइंड द वैगन दैट वी फ्लंग हिम इन एंड वॉच द व्हाइट आइज
रीदिंग इन फेस, और वो कहते हैं इफ अगर आप कभी आपके सपनों के अंदर आप भी उस वैगन के पीछे, उस वाहन के पीछे अगर आप जा पाते जिस वाहन के अंदर हमने उस सैनिक को फ्लंग किया था, फ्लंग करने का मतलब फेंक देना, केयरलेसली, युद्ध की स्थिति है यहाँ पे, कोई एकदम केयरफुली किसी के साथ बर्ताव नहीं कर सकता, युद्ध के समय में आपको जल्दबाजी में काम करना होता है, ऐसे में वो जो कोई सैनिक था जो उस गैस अटैक के अंदर फंस चुका था उसको एक वैगन के अंदर फेंका गया, और जब उसको उस वैगन के अंदर डाला गया तो उस वक्त अगर आप उसकी आंखों को देखते, जो सफेद आंखें होती थी दोस्तों, अक्सर जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी आंखें सफेद होती थी, रीदिंग इन हिज फेस, और ये आंखें उनके उसके फेस के ऊपर रीद कर रही थी, तड़प रही थी, गोल गोल घूम रही थी, हिज हैंगिंग फेस, और जब उसको उस वैगन के अंदर, उस वाहन के अंदर फेंक दिया गया था तो उसका चेहरा हैंग हो रहा था, लटक रहा था, क्योंकि वो अभी बेहोश हो चुका होता है, लाइक अ डेविल इज सिक ऑफ सिन, और जब उस सैनिक को आप देखते तो आपको ऐसे लगता जैसे डेविल, डेविल का मतलब होता है राक्षस, सैटन, वो सिक ऑफ सिन है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है जो राक्षस होता है या डेविल होता है वो बुरे काम करता है, जिन्हें हम अक्सर सिन कहते हैं, पाप करते हैं, और सिक ऑफ सिन का मतलब होता है पाप कर करके थक जाना। तो उस सैनिक को जब हम देखते थे उस अवस्था में तो ऐसा आपको लगता जैसे डेविल अभी पाप कर करके थक गया है। यहाँ पे डेविल का उदाहरण क्यों दिया गया है ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। डेविल या सैटन राक्षस होता है जो बुरे काम करता है, लेकिन कोई सैनिक तो बुरा काम नहीं करता, राइट? फिर क्यों इस तरह से उन्होंने कंपेयर किया है, वो इसलिए क्योंकि सैनिक इनोसेंट है, वो निष्पाप है, फिर भी उसको जो सजा दी जा रही है वो सजा उस तरह से है जैसे किसी राक्षस को सजा दी जा रही हो। तो ऐसे में वो डेविल का यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे करें कि उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे डेविल अभी अपने पाप करने से थक जाएगा, कांप जाएगा, इसके आगे डेविल भी पाप नहीं करेगा, इतनी बड़ी सजा उस सैनिक को दी जा रही है, इतने बड़ा उसके साथ क्रूरता उसके साथ बरती जा रही है उस गैस अटैक के कारण। इफ यू कुड हियर एट एवरी जॉल्ट द ब्लड कम गार्गलिंग फ्रॉम द फ्रॉथ करप्टेड लंग्स, और वो कहते हैं कि अगर आप सुन पाते हर एक झटके के साथ, जाहिर सी बात है जिस वाहन में उसको रखा गया, ऊबड़ खाबड़ जमीन के कारण थोड़ा बहुत जॉल्ट लगेगा, झटका लगेगा, तो अगर आप सुन पाते तो उसके गले में से ब्लड यानी खून गार्गल करते हुए बाहर आ रहा था। अक्सर हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति पॉइजन ले लेता है तो वो उसके मुंह में से झाग बाहर निकलने लगता, फ्रॉथ निकलने लगता है, तो वो कहता है, वो कहते हैं कि वो जो सैनिक था जब भी उस वाहन के झटके लग रहे थे, वो उछल रहा था, तो उसके गले में से खून बाहर निकल रहा था, जैसे उसके लंग्स, जिस लंग्स के अंदर अभी फ्रॉथ बन गया है, वो फ्रॉथ से करप्ट हो गए हैं, उसके अंदर से खून बाहर आ रहा होगा, ऑप्सिन एज कैंसर, और वो कहते हैं जब देखते तो ऐसे लगता था जैसे वो कैंसर की तरह ऑप्सिन है, विभद्र है, गंदा सा है, बिटर एज द कर्ड, और वो इतना कड़वा होगा जैसे जानवरों का चारा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी वो बाहर निकलते हुए खून को, जब किसी व्यक्ति के गले में से वो खून बाहर निकल रहा होगा तो उसको ऐसे ही महसूस हो रहा होगा जैसे वो कोई कैंसर है या फिर जानवरों का चारा है। ऑफ वाइल, ऑफ वाइल मतलब किसी वाइल की तरह, वाइल का मतलब होता है विष, किसी विष की तरह वो उसके गले में से बाहर निकल रहा था। इनक्यूरेबल सोर्स ऑन इनोसेंट टंग्स, और ऐसे में उसके जीव के ऊपर, उसके टंग के ऊपर सोर्स आ गए थे, बड़े बड़े सोर्स आना, जैसे हम अक्सर दाने आना कहते, तो उसके जीव के ऊपर दाने आ गए थे, ये पूरा असर है उस गैस का, जिस गैस के अंदर वो सैनिक फंस गया था। माय फ्रेंड, अब ऐसे में यहाँ पे माय फ्रेंड वो किसे करे, माय फ्रेंड वो करे हर एक रीडर को जो इस कविता को पढ़ रहे हैं। माय फ्रेंड यू कुड नॉट टेल विद सच हाई जेस्ट टू चिल्ड्रन आर्डेंट फॉर सम डेस्परेट ग्लोरी द ओल्ड लाई, और ऐसे में वो करे मेरे दोस्त तुम ऐसे चिल्ड्रन को, ऐसे बच्चों को जो हाई जेस्ट के लिए, जो जोशीले बच्चे होते हैं, उनको तुम ईमानदारी के साथ ये नहीं कह पाते, ये झूठा लाए तुम नहीं कह पाते। ड्यूल्स एट डेकोरम इस्ट प्रो पाट्रिया मोरी, इसका मतलब होता है इट इज प्रॉपर एंड स्वीट टू डाई फॉर योर ओन कंट्री। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं दोस्तों, जब हम एक सैनिक की मौत का वर्णन सुनते हैं तो क्या हमको ये लगता है कि जैसी मौत वो सैनिक मरा वो मौत प्रॉपर थी, क्या वो मौत स्वीट थी, क्या मरते हुए उस सैनिक को आनंद का अनुभव हो रहा था? जिस तरह से अक्सर हम शहीद कहते हैं किसी व्यक्ति को,
और हम उनके शहादत के ऊपर नमन करते हैं। जाहिर सी बातें हमें करना भी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति शहीद हुआ है क्या उसे मरते वक्त आनंद महसूस होता है कि मैं मर रहा हूँ, इतनी भयानक मौत मर रहा हूँ? नहीं, ये पूरी पोएम पढ़ने के बाद हमें ऐसा कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई। अगर आपके और कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट कर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।